पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व किया था। अब अगली एक्सरसाइज 9.2 अगली एक्सरसाइज 9.3। अब तक आपने समांतर श्रेणी के क्वेश्चनों को पढ़ा, फार्मूला पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व किए। अब ये 9.3 गुणोत्तर श्रेणी, इसके कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हम आपको लिखवा रहे हैं, हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। यदि ए बी सी डी, यदि पहला फार्मूला है आपका, यदि चार संख्याएं, यदि ए बी सी और डी गुणोत्तर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो उनका सार अनुपात उनका सार अनुपात बी बाई ए सी बाई बी और डी बाई सी होगा। ये आपका पहला फार्मूला है। समांतर श्रेणी में आपने सार्वान्तर डी को आप कहते थे सार्वान्तर, लेकिन यहाँ सार्वान्तर कहेंगे। ऐसा क्यों? समांतर श्रेणी में आपने द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस किया था, तब जाके आपका सार्वान्तर आया था, यानी कि अंतर। ये सार्वान्तर आएगा जिसको हम आर से निरूपित करेंगे। यहाँ द्वितीय संख्या को पहली संख्या से डिवाइड किया जाएगा, इसलिए उसको सार अनुपात कहा जाता है, जिसको हम आर से निरूपित करते हैं, स्मॉल आर। अगला है, पहला आपने देखा कि ए बी सी डी चार संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हों तो उनका सार अनुपात बी बाई ए, यानी द्वितीय पद बटा प्रथम पद, तृतीय पद बटा द्वितीय पद, चतुर्थ पद बटा तृतीय पद, ये तीनों इक्वल होंगे, यानी सार अनुपात सबका इक्वल होगा। अगला है, यदि श्रेणी का प्रथम पद ए, यदि श्रेणी का प्रथम पद ए और सार अनुपात स्मॉल आर, तो समान गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद, गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद आप मानेंगे इसे ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा, यानी पहले ए प्रथम पद ए, फिर ए आर स्क्वायर फिर ए आर क्यूब ए आर पावर फोर डॉट, इस प्रकार बढ़ता चला जाएगा। ये आपका दूसरा फार्मूला। तृतीय फार्मूला देखिए, गुणोत्तर श्रेणी का 93वां पद, तीसरा है गुणोत्तर श्रेणी का 93वां पद इक्वल ए आर की पावर एन माइनस वन। वहाँ आप 93वां पद समांतर श्रेणी में निकालते थे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लेकिन यहाँ होगा गुणोत्तर श्रेणी में का 93वां पद ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। ए है आपका फर्स्ट टर्म, आर है सार्वान्तर, एन है पदों की संख्या, समझ गए, यानी ए है प्रथम पद, आर है सार्वान्तर और एन पदों की संख्या। अगर किसी गुणोत्तर श्रेणी का एनवां पद निकालना हो तो ये फार्मूला आप बनाएंगे। अगला फार्मूला है आपका चौथा फार्मूला है श्रेणी का योगफल
गुणोत्तर श्रेणी का योगफल, गुणोत्तर श्रेणी का योगफल, श्रेणी का योगफल, योगफल मतलब यस इनफाइनाइट योगफल, ये अनंत पदों का योगफल। पहले यन पदों का योगफल फार्मूला देखिए, यस एन इक्वल ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। लेकिन ये कब लगेगा? जब वन, जब आर लेस देन, यानी आर जो होगा वो वन से छोटा होगा, और आर वन से कब छोटा होगा? जब पॉइंट में होगा, तब ये फार्मूला लगेगा। और जब यदि आर ग्रेटर देन वन, तब यस एन इक्वल ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस, ये फार्मूला लगेगा। समझ गए ना? गुणोत्तर श्रेणी का योगफल यानी यस एन, एन पदों का योगफल, यस एन इक्वल ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। जब आर लेस देन है, सार अनुपात जो होगा वो एक से छोटा होगा, और जब सार अनुपात एक से बड़ा होगा, एक से बड़ा होगा, तब यस एन इक्वल ए इंटू आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस, यानी जब सार अनुपात एक से बड़ा, तब ये फार्मूला आ गया। अब अनंत पदों का योगफल देखिए, यदि श्रेणी अनंत पदों की है तब यदि श्रेणी के यानी गुणोत्तर श्रेणी के, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल यानी यस इनफाइनाइट ये होगा ए अपॉन वन माइनस आर, ए अपॉन वन माइनस आर, ये अनंत पदों के योगफल का फार्मूला है। सभी का मतलब वही है, एफ आर फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, आर आपका सार्वन पद। इतने फार्मूले इसमें थे, एक फार्मूला है गुणोत्तर माध्य का। यदि तीन संख्याएं, यदि तीन संख्याएं, तीन संख्याएं ए कामा जी कामा बी गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य ये बीच वाली संख्या का वर्ग हो जाता है और दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाता है, अथवा जी इक्वल अंडर रूट ए, ये गुणोत्तर माध्य का फार्मूला है। यानी यदि तीन संख्याएं दी गई हो और गुणोत्तर माध्य आपको निकालना है, तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे, यानी जी इक्वल अंडर रूट ए। इतने फार्मूले हैं गुणोत्तर श्रेणी में। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सिंपल है, इजी है, बहुत कठिन नहीं है। पहला क्वेश्चन है आपका गुणोत्तर श्रेणी पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है आपकी 9.3 का पहला क्वेश्चन, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी 5/2 कामा 5/4 कामा 5/8 डाट डाट का
बीसवां तथा यनवा पद्यन, बीसवां तथा एनवा पद, एनवा पद्यन, ये आपका क्वेश्चन है। उत्तर श्रेणी दी गई आपको 5.2, 5.2, 5.8 का बीसवां तथा एनवा पद ज्ञान कीजिए। अब फार्मूला आप यूज कैसे करेंगे, ये तो आप जानते हैं कि एनवा पद गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है, ए आर एन माइनस, ये तो फार्मूला है। यहाँ प्रथम पद क्या होगा, 5/2, प्रथम पद यानी ए इक्वल 5/2, ये प्रथम पद है। सात अनुपात आप कैसे निकालेंगे, अभी हमने बताया, द्वितीय पद सात अनुपात यानी आर द्वितीय पद बटा प्रथम पद, ये सात अनुपात का फार्मूला होता है। द्वितीय पद आपका है 5/2 पूरे का बटा 5/2, जब भिन्न का बटा भिन्न हो नीचे वाले भिन्न ऊपर जाके पलट जाते हैं, 5/4 × 2/5, 5 से 5 कैंसिल हुआ, 2 × 2 = 4 यानी 1/2। आर की वैल्यू आ गई 1/2 और ए की वैल्यू आ गई है 5/2। अब आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बीसवां पद आपको ज्ञात करना है, बीसवां पद इक्वल ए की वैल्यू है 5/2, आर की वैल्यू आप निकालेंगे 1/2, एन की वैल्यू है 20 - 1, यानी बीसवां पद 20 - 1। अब देखिए 5/2 × 1/2 की पावर 19, क्योंकि 1 की पावर 19 लिखेंगे तो 1 ही आएगा, 2 की पावर 19। अब 2 से जब 2 का गुणा करेंगे हम, एक्सपोनेंट है ध्यान दीजिएगा, इसको गुणा में आते जुड़ती हैं यदि फेस इक्वल हो, ये हो जाएगा आपका 5/2 की पावर 20, यही आपका बीसवां पद। अब इसी में दो क्वेश्चन है, एक बीसवां पद है और एक एनवा पद ज्ञात करना है। अब आप एनवा पद ज्ञात कीजिए, ये तो बीसवां पद आ गया आपका, एनवा पद फार्मूला वही होगा आपका, ए आर एन माइनस वन, ए की जगह कितना था 5/2, आर की जगह कितना था 1/2 की पावर, एन की वैल्यू एन ही रहेगी क्योंकि यहाँ एनवा पद याद करना है आपको, इसको हम लिख सकते हैं 5/2 × 1/2 की पावर n-1, यहाँ भी नहीं होगा, इसकी पावर 1 है, जब 1 इसमें प्लस करेंगे तो माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5/2 की पावर n, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका एनवा पद था और बीसवा पद आपने पहले ही फाइंड किया था। ये 9.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था गुणोत्तर श्रेणी का, और फार्मूला आपका यही था कि एनवा पद या एनवा पद इक्वल ए आर एन माइनस वन। ए बार प्रथम पद, आर बार सारणों पर, एन पदों की संख्या, ध्यान दीजिए इसको, ये पहला पद है, आर सारणों पद है और एन पदों की संख्या है, फार्मूला यूज किया आपने और आंसर ये आएगा।
अगला क्वेश्चन आप देखिए, सेकंड, लेकिन ये क्वेश्चन आप तभी साफ कर पाएंगे जब आपको फार्मूला हमेशा याद रहे। दूसरा क्वेश्चन है आपका प्रश्न दो, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए। जिसका 8वां पद 192, जिसका 12वां पद 192, 192 तथा 7 अनुपात 2 तथा 7 अनुपात 2, ये फार्मूला है आपका, ये सारी क्वेश्चन है आपका। उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 तथा 7 अनुपात 2। आज की वैल्यू आपको दी गई है 2 और 8वां पद दिया गया है, 8वां पद दिया गया है 192। तो 20वां पद माइंड कीजिए इसको, 20वां पद हमको तब ज्ञात होगा क्योंकि सिर्फ आर की वैल्यू आपको मालूम है। जब तक हमें ए की वैल्यू नहीं मालूम होगी तब तक हम 20वां पद नहीं ज्ञात कर पाएंगे। सबसे पहले हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। 8वां पद क्या होगा आपका, AR 8-1=192। आर की वैल्यू दी गई है आपको A into R2 की पावर 8-1=192। A equal 192 upon 2 की पावर 7 कितना होगा आपका, ये देखिए 2 का 7 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना होगा, 4×3=7, 2×4×8×16×32×64×128, यानी A=192/120। कितनी बार जाएगा, 4 टाइम जाएगा शायद, 4×8=32 कटेगा कितना, 2 से काटिए, 2×9=18, 2×6=12, 2×6=12, 8 से काटिए 8×8=16, 8×16 फिर 4×3=12, 4×8 यानी ये आ गया आपका 3/2, ये वैल्यू आ गई आपकी 3/2, A=3/2 और R इक्वल दिया है 2। अब आप 20वां पद ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि R की वैल्यू मालूम हो गई, A की वैल्यू मालूम हो गई और N इक्वल कितना हो गया आपका 20। अब फार्मूला लगा दीजिए आपके लिए, N वां पद गुणोत्तर श्रेणी का 8वां पद इक्वल फार्मूला AR N-1
गुणोत्तर श्रेणी का 20वां पद फाइंड करना है आपको। ए की वैल्यू है 3/2, आर की वैल्यू है 2, एन की वैल्यू है 20-1। ये आ गया आपका 3/2 इंटू 2 की पावर 19। ये दो जब ऊपर ले जाएंगे भाग खाते हैं घटते हैं, ये हो जाएगा 3 × 2 की पावर 19-1। ये होगा आपका 3 × 2 की पावर 18। जब 2 का 18 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे20वां पद, 20वां पद नहीं याद करना था आपको, 12वां पद याद करना था। चलिए यानी कि 20 लिख दिया है यहाँ, 20वां पद पे आ गया आपका। मान लीजिए 20वां पद पूछा होता, 12वां पद, मान लीजिए 12वां पद किसका 20वां, 22वां, 24वां कोई पद पूछा होता, 20वां पद अगर पूछा, ये आंसर आया। मान लीजिए 12वां पद पूछ रहा है आपका 12वां पद, ए आर एन माइनस वन, ए की वैल्यू है 3/2, आर की वैल्यू है 2, एन की वैल्यू है 12-1, तो 3/2 × 2 की पावर 11। ये हो जाएगा आपका 3/2 × 3 × 2 की पावर 10। ये आ जाएगा आपका 1024। जब 2 का 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, ये आ जाएगा 1024 × 3। 3 × 4 12 3 × 6 17 0 यानी 3072। ये आपका आंसर है। आपका इसमें 2 क्वेश्चन बन गया, 1 20वां पद और 1 12वां पद। 12वां पद आपके क्वेश्चन में था, 20वां पद हमने इस प्रकार निकाल दिया है। अगर मान लीजिए यहाँ 19वां पद होता या 30वां पद होता तो यहाँ 20 की जगह 30 लिखा जाता है। 12वां पद है यहाँ 20 की जगह 12 लिखा गया। एक क्वेश्चन ये आपका बन गया और एक क्वेश्चन आपका बुक का। अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन देखिए, ए बी सेम उसी प्रकार का है। गुणोत्तर श्रेणी में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है और समांतर श्रेणी की अपेक्षा थोड़ा कठिन भी है, जिनको एक्सपोनेंट यानी घातांक आता होगा उनके लिए सब कुछ इजी है। अगला क्वेश्चन है आपका किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां, क्वेश्चन नंबर 3। किसी गुणोत्तर श्रेणी का पांचवां आठवां तथा ग्यारहवां पद पी क्यू तथा एफ है, पद पी क्यू तथा एस है, पी का क्यू तथा यस है, तो दिखाइए कि पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पहले, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद 8वां तथा 11वां पद क्या है पी, 8वां है क्यू और 11वां है यस। तो प्रूव आपको करना है क्यू स्क्वायर इक्वल पी एस।
अब देखिए पांचवा पद कितना दिया आपको p, तो पांचवा पद क्या होगा ar 5-1 = p या ar^4 = p, ये आपका पांचवा पद हो गया। इसी प्रकार हम आठवां पद निकालेंगे, आठवां पद इक्वल q, आठवां पद होगा आपका ar 8-1 = q या ar^7 = q, ये आपका आठवां पद होगा। इसी प्रकार ग्यारहवां पद ये दिया आपका h, ग्यारहवां पद होगा आपका ar 11-1 = s ar^10 = s, ये आपका ग्यारहवां पद। अब प्रूव क्या करना है आपको, q² = ps दिखाना है आपको, q² = ps अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तब तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और अगर नहीं इक्वल होते हैं तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं होगा। अब हम q, p और s की वैल्यू दोनों तरफ रखेंगे। q की वैल्यू है आपकी ar^7 और स्क्वायर है तो क्या होगा स्क्वायर हो गया। p की वैल्यू है ar^4 इंटू s की वैल्यू है ar^10 हमने q की वैल्यू रखा, p की वैल्यू रखा और s की वैल्यू रखी। अब सॉल्व करिए दोनों का, यहाँ देखिए यदि घातों का घात है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, ar^14 = a² ar^14 सर यहाँ भी स्क्वायर होगा क्योंकि पूरी की पावर 2 है, a^2 r^14 यानी आपका LHS = RHS ये क्वेश्चन आपका प्रूव है। पांचवा पद दिया था p, आठवां पद दिया था q और ग्यारहवां पद दिया था s, तीनों को निकाल के हमने जो आपको प्रूव करना था q का मान p का मान s का मान रख के दोनों पक्ष बराबर कर दिया, क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद, ये तीसरा क्वेश्चन था आपका, तीसरा चौथा क्वेश्चन है आपका किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद, क्वेश्चन फोर है किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है, उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद -3 है, तथा प्रथम पद -3 है तो सातवां पद याद कीजिए, तो
सातवां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है। चौथा पद जो है दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद माइनस तीन है, ये दिया है एक वैल्यू, तो सातवां पद ध्यान दीजिए। एक वैल्यू तो दी गई है लेकिन आठ की वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं दी है। पहले इस क्वेश्चन से हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, जब आर की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी, तो ए की वैल्यू आपको दी गई है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ दिया है आपको ए इक्वल माइनस थ्री, और ये भी दिया है चौथा पद दूसरे पद का वर्ग, चौथा पद इक्वल दूसरा पद का वर्ग। चौथा पद क्या होगा आपका ए आर फोर माइनस वन, दूसरा पद क्या होगा ए आर टू माइनस वन का होल स्क्वायर। ये हुआ ए की वैल्यू दी गई है आपको माइनस थ्री आर टू, ये हो जाएगा आपका माइनस थ्री इंटू आर का होल स्क्वायर। यहां तक हुआ, अब आगे देखिए आप माइनस थ्री आर क्यूब, माइनस थ्री आर क्यूब यहाँ कितना होगा तीन त्रिका नौ आर स्क्वायर। इसको जब इससे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर यहाँ कैंसिल हुआ, आर इक्वल कितना आ गया नाइन अपॉन माइनस थ्री, थ्री से इसको डिवाइड कीजिए तीन त्रिका नौ, आर की वैल्यू आ गई आपकी माइनस थ्री, यानी ए की वैल्यू जो थी वही आर की वैल्यू दिया। अब आपको कौन सा पद ज्ञात करना है, सातवां पद, आर की वैल्यू ए भी थी और यही आपकी ए की वैल्यू भी जो कि दी गई। अब आप देखिए सातवां पद, सातवां पद क्या होगा आपका ए आर सेवन माइनस वन, ए की वैल्यू माइनस थ्री है, माइनस थ्री इंटू आर की वैल्यू भी माइनस थ्री है की पावर सिक्स, तो माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री की पावर सिक्स, थ्री का तीन थ्री टाइम मल्टीप्लाई सिक्स टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा आपका डायरेक्टली यदि आप लिखें इसको तो ये हो जाएगा आपका माइनस थ्री की पावर सेवन, थ्री की पावर सेवन, और माइनस थ्री का सात बार मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस थ्री का सेवन टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका माइनस इक्कीस सौ सत्तासी, माइनस इक्कीस सौ सत्तासी मल्टीप्लाई करके देखिएगा माइनस इक्कीस सौ सत्तासी, यही आपका आंसर होगा। तो इस वीडियो में अभी तक चार क्वेश्चन आपने समझा और फार्मूला भी, फार्मूला आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि जब फार्मूला याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि फार्मूला ही हथियार होता है और बिना हथियार के कुछ आप नहीं कर सकते। पांचवा क्वेश्चन आपका अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।